सीएम योगी का आज गोरखपुर दौरा, विधानसभा चुनाव को लेकर करेंगे बैठक, दीप उत्सव कार्यक्रम में होंगे शामिल। बीएसपी सुप्रीमो मायावती को बड़ा झटका, सपा में शामिल होंगे 6 बागी विधायक, साइकिल पर होंगे सवार। चित्रकूट में 5 लाख के नामी डकैत को एसटीएफ ने मार गिराया, आरोपी पर थे 45 से ज्यादा मुकदमे दर्ज, AK-24 भी बरामद। कानपुर देहात में धमाका महा रैली का आयोजन, कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद रहे मौजूद, बीजेपी के कार्यों का किया बखान। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में, आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जो अमरोहा से आ रही है। अमरोहा में किसानों की महापंचायत आज की जाएगी। आपको बता दें, संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में ये महापंचायत का आयोजन किया गया है। किसान नेता राकेश टिकैत भी पहुंचेंगे और बड़ी संख्या में महापंचायत में किसानों के पहुंचने की उम्मीद है। ऐसे में आपको बता दें, जोई के मैदान में ये किसान महापंचायत पूरी जा रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, आज अमरोहा में किसानों की ये महापंचायत का आयोजन किया गया है जिसमें राकेश टिकैत भी शामिल होंगे। जोई के मैदान में इस किसान महापंचायत का आयोजन है और ऐसे में काफी ज्यादा संख्या में किसानों के वहां पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। आपको बता दें कि ये 18 अक्टूबर को महापंचायत होनी थी, लेकिन बारिश की वजह से इस महापंचायत का दिन बदल दिया गया था, जिसके बाद आज ये महापंचायत होनी है और ऐसे में बड़ी संख्या में महापंचायत में किसान पहुंचेंगे। जोई के मैदान में ये किसान महापंचायत होनी है जिसमें राकेश टिकैत भी वहां पर पहुंचेंगे। तो आज अमरोहा में किसानों की महापंचायत का आयोजन किया गया है। आपको बता दें, संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से महापंचायत रखी गई है। किसान नेता राकेश टिकैत वहां पर पहुंचेंगे, साथ ही बड़ी संख्या में इस महापंचायत में किसान शामिल होंगे। चलिए, ज्यादा जानकारी के साथ अमरोहा से हमारे संवाददाता वैभव त्यागी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वैभव, आज अमरोहा में किसानों की ये महापंचायत होने जा रही है, क्या कुछ अपडेट है, कब ये महापंचायत शुरू होगी और कितनी ज्यादा संख्या में किसान वहां पर शामिल होंगे? मैडम, अभी जो है किसान लगातार सुबह से आ रहे हैं यहाँ पर और लगातार जो है यहाँ पे किसानों की संख्या बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और अब अंदाजा लगाया जा रहा है कि जिस हिसाब से संख्या रहेगी वो लगभग कई हजार में संख्या रहेगी और इसी प्रकार से जो है उनके बड़े बड़े नेता भी किसानों के साथ साथ यहाँ दिख रहे हैं। बिल्कुल वैभव, जब देखिए आज ये महापंचायत होना, अभी सब महापंचायत में क्या कुछ रणनीति बनाई जाएगी, क्योंकि अगर दिल्ली की बात की जाए तो वहां से रास्ते खोलने का काम शुरू कर दिया गया है, बैरिगेटिंग हटा दी गई है, अब इस महापंचायत में आज क्या कुछ होगा? इस प्रकार की जानकारी से मतलब जिस प्रकार से संख्या का दिख रहा है उस प्रकार से लगता है कि काफी बड़ी संख्या में जो है पंचायत में आज जो है बातें रहेंगी और किसान अपने मुद्दे रखेंगे। जिस प्रकार से वहाँ दिल्ली की साइड से बैरिकेडिंग हटाई गई है तो बड़ी संख्या का अंदाजा लगाया जा रहा है कि आज वो हम गाँव में वहाँ पंचायत में रहेंगे। के वैभव, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो आज अमरोहा में किसानों की महापंचायत होने जा रही है जिसमें जोई मैदान में महापंचायत होनी है, ऐसे में भारी संख्या में किसानों के वहां पहुंचने की उम्मीद है। साथ ही राकेश टिकैत भी खुद वहां इस महापंचायत में पहुंचेंगे, आगे की रणनीति भी इस महापंचायत में तय की जाएगी, क्योंकि तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले करीब एक साल से किसान दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स पर बैठे हुए हैं, धरना दे रहे हैं। ऐसे में अब आगे इस किसान आंदोलन में क्या कुछ किया जाएगा, इस महापंचायत में ये तय किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को गोरखपुर आएंगे, जहां वो आने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर रामगढ़ताल क्षेत्र स्थित योगी राज बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षक गृह में बैठक में शामिल होंगे। इस दौरान सीएम के साथ बैठक में बीजेपी के प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, राष्ट्रीय मंत्री और गोरखपुर क्षेत्र के संगठन प्रभारी अरविंद मनन भी मौजूद रहेंगे। वहीं इस बैठक के बाद मुख्यमंत्री नगर निगम परिसर में आयोजित विकास दीप उत्सव कार्यक्रम में भी शामिल हो सकते हैं। तो आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज गोरखपुर दौरा है और सीएम योगी आज गोरखपुर पहुंच रहे हैं, जहां पर वो विधानसभा चुनाव को लेकर बैठक
करेंगे। हालांकि यूपी में अभी विधानसभा चुनाव को लेकर कोई भी औपचारिक ऐलान अभी नहीं किया गया है, लेकिन पहले से ही अब हर पार्टियां तैयार हो चुकी हैं। इसीलिए लगातार दौरे किए जा रहे हैं, चुनावी रैलियां की जा रही हैं, बैठकें की जा रही हैं। और ऐसे में आपको बता दें कि आज गोरखपुर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंच रहे हैं, जहां पर वो चुनाव को लेकर बैठक करने वाले हैं। तो आपको बता दें सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर दौरे पर आज पहुंच रहे हैं, जहां पर विधानसभा चुनाव को लेकर बैठक वो करेंगे। ऐसे में इस बैठक के बाद मुख्यमंत्री नगर निगम परिसर में आयोजित विकास दीप उत्सव कार्यक्रम में भी शामिल हो सकते हैं। चलिए ज्यादा जानकारी के साथ गोरखपुर से हमारे संवाददाता मृत्युंजय पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मृत्युंजय, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच रहे हैं गोरखपुर, क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ कार्यक्रम है उनका? देखिए मैं बता दूं कि सीएम योगी आदित्यनाथ जो है गोरखपुर दौरे पे है, इसमें लेकर तमाम कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे, नगर निगम के तमाम ऐसे लोकार्पण करेंगे और उस लोकार्पण के बाद जो है वो बैठक लेंगे और तमाम अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे, उसके बाद वो गोरखनाथ मंदिर जाएंगे। जी बिल्कुल मृत्युंजय, बैठक की जाएगी, बैठक का एजेंडा क्या कुछ रखा गया है, कौन कौन बैठक में शामिल होने वाला है और क्या कुछ बैठक में तय किया जाएगा? देखिए मैं आपको बता दूं कि एडीजी कमिश्नर और तमाम पुलिस अधीक्षक जैसे नॉर्थ एसएसपी और जो भी लोग हैं, जो भी पुलिस आला अधिकारी के जो लोग हैं, ये सारे लोग बैठक में शामिल होंगे और जो भी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर इससे बातचीत रखी जाएगी, क्योंकि कल प्रियंका गांधी का दौरा है गोरखपुर का, उसमें लेकर तमाम आला अधिकारी भी अपने कमर कस लिए हैं, तमाम ऐसे तैयारियां जोरों पे है और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर इस दृष्टिकोण से जो है इस समीक्षा बैठक रखी गई है। जी बिल्कुल मृत्युंजय, दीप उत्सव में भी मुख्यमंत्री शामिल होंगे, उसको लेकर क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? जी दीप उत्सव के लिए जो है तमाम आला अधिकारी अपनी सुरक्षा पुख्ता इंतजाम कर लिया गया है और जो भी उसमें दीपक जलाए जाएंगे, जो भी लोग उसमें मौजूद होंगे उनकी सारी लिस्ट तैयार कर ली गई है, लगभग हजारों की संख्या में या जो श्रद्धालु जो होंगे, जो लोग होंगे उसमें उस कार्यक्रम में शामिल होंगे, किसी प्रकार की अप्रिय घटना ना हो इसको लेकर पूरी जो है पुलिस के द्वारा आला अधिकारियों के द्वारा पुख्ता इंतजाम कर लिया गया है, इसके पूरी जो है व्यवस्था है। जी चलिए मृत्युंजय, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंच रहे हैं, जहां पर वो एक बैठक भी करेंगे। ऐसे में आपको बता दें दीप उत्सव कार्यक्रम में भी मुख्यमंत्री शामिल होंगे। तो आपको बता दें उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक हैं। हालांकि आज मुख्यमंत्री गोरखपुर पहुंच रहे हैं, जहां पर गोरखपुर पहुंचने के बाद वो वहां पर बैठक करेंगे और बैठक में विधानसभा चुनाव की रणनीति भी तय की जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हुए रुख करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जेल से आर्यन खान रिहा हो चुके हैं और आपको बता दें करीब 20 से 25 से दिन ज्यादा हो चुके थे जेल में बंद थे आर्थर और जेल में बंद थे आर्यन खान क्रूज ड्रग्स केस में, जिसके बाद आज 28 दिन बाद आर्यन खान की घर वापसी हो चुकी है। हालांकि सुबह से ही आर्थर रोड जेल के बाहर काफी हलचल थी, ऐसे में कल भी आर्यन खान की रिहाई की खबर सामने आ रही थी, लेकिन ऑर्डर देर तक पहुंचा, इसके बाद कल रात को भी आर्यन खान को जेल में ही बिताना पड़ा। लेकिन आज सुबह से ही 5:30 बजे से प्रक्रिया शुरू हो गई थी और ऑर्डर दे दिया गया था, जिसके बाद से आर्यन खान को अब रिहाई मिल चुकी है और अपने घर मन्नत के लिए आर्यन खान आर्थर रोड जेल से निकल चुके हैं और अब से थोड़ी ही देर बाद अपने घर वापस आर्यन खान पहुंच जाएंगे। आपको बता दें लगातार बीते कई दिनों से क्रूज ड्रग्स केस में आर्यन खान जेल में बंद थे और ऐसे में अब आखिरकार हाईकोर्ट जब इनका केस पहुंचा, आर्यन खान के वकील ने हाईकोर्ट में जब याचिका दी, उसके बाद
बुधवार के बाद उन्हें जमानत मिली, जिसके बाद दो दिन का रिहाई का समय लग गया। लेकिन अब आज आखिरकार आर्यन खान की मन्नत पूरी हो गई और अपने घर आर्यन खान अब से थोड़ी ही देर बाद पहुंचने वाले हैं। आपको ये भी बता दें कि उनके पिता शाहरुख खान भी सुबह से ही आर्थर रोड जेल के पास एक होटल में रुके हुए थे, जहां पर वो अपने बेटे के रिहाई का इंतजार कर रहे थे। और अब आखिरकार आर्यन खान को रिहाई आर्यन खान की हो चुकी है और जेल से वो निकल चुके हैं और अब से थोड़ी ही देर बाद अपने घर मन्नत पहुंच जाएंगे। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले दल बदलने का सिलसिला तेज हो गया है। उधर सपा प्रमुख अखिलेश यादव आज बसपा सुप्रीमो मायावती को बड़ा झटका देने वाले हैं। आपको बता दें बसपा के 6 बागी विधायक आज सपा में शामिल होने जा रहे हैं। सभी बागी विधायक लखनऊ स्थित सपा में कार्यालय में साइकिल पर सवार होंगे। इस दौरान पूर्व सीएम अखिलेश यादव भी मौजूद रहेंगे। अखिलेश यादव दोपहर 12:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। ऐसे में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बसपा के आधे दर्जन विधायकों का सपा में शामिल होना मायावती के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। बसपा छोड़ सपा में शामिल होने वाले विधायकों में हाजी मुजतबा सिद्दीकी, हाकिम लाल बिंद, सुषमा पटेल, असलम चौधरी, हरगोविंद भार्गव और असलम रायनी भी शामिल हैं। इन सभी विधायकों ने राज्यसभा चुनाव में अपनी पार्टी से बगावत कर सपा का साथ दिया था। तो आज बीएसपी सुप्रीमो मायावती को उत्तर प्रदेश में बड़ा झटका लगने जा रहा है। दरअसल उनके कई नेता, बता दें आपको 6 बागी विधायक आज सपा में शामिल होने जा रहे हैं। करीब 12:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस अखिलेश यादव की तरफ से की जाएगी और बीएसपी के सभी 6 विधायकों को एसपी में शामिल किया जाएगा और ऐसे में सपा का ये सभी 6 विधायक दामन थामेंगे। चित्रकूट में बिहार के खूंखार डकैत 5.5 लाख के इनामिया डकैत गौरी यादव को एसटीएफ ने आज सुबह बहिरपुरवाज के जंगल में मुठभेड़ में मार गिराया। इसी के साथ चित्रकूट में खौफ के आखिरी अध्याय का अंत हो चुका है। वहीं एसपी एसटीएफ हेमराज मीणा ने टेलीफोन से गौरी यादव के मुठभेड़ में मारे जाने की पुष्टि की। आपको बता दें कि गौरी के पास से एसटीएफ को AK-47 और भारी मात्रा में असला बरामद हुआ है। बता दें कि मारे गए डकैत पर 5 लाख का इनाम घोषित था। वहीं इस मुठभेड़ में बाकी बदमाश भागने में कामयाब हो गए, लेकिन डकैत गौरी यादव को एसटीएफ ने मार गिराया। खबरों की माने तो आरोपी पर 45,000 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं और ऐसे में आपको बता दें चित्रकूट में 5 लाख के इनामी डकैत को एसटीएफ ने मार गिराया है, जहां बड़ी सफलता एसटीएफ को लगी है। 5 लाख का इनाम घोषित था पहले से ही डकैत गौरी यादव पर, ऐसे में आज एसटीएफ को एक बड़ी सफलता मिली है। और ऐसे में आपको ये भी बता दें कि डकैत के साथ जो अन्य बदमाश थे वो भागने में सफल रहे, लेकिन डकैत गौरी यादव को मार गिराया गया है। और आपको ये भी बता दें कि डकैत गौरी यादव पर पहले से 45 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज थे। यूपी के कानपुर देहात में सिकंदरा विधानसभा क्षेत्र में बंजारा नायक समाज की ओर से धमाका महारैली का आयोजन किया गया। इस धमाका महारैली में मुख्य अतिथि के रूप में यूपी के कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम में लोगों को संबोधित करते हुए यूपी के कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने जमकर सपा बसपा और कांग्रेस पर हमला बोला, साथ ही केंद्र की मोदी और प्रदेश की योगी सरकार की जमकर तारीफ की। कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि जिस तरह से जनता ने पीएम मोदी पर 2014 से विश्वास दिखाया है, उसी विश्वास के अनुसार केंद्र की मोदी सरकार काम कर रही है। एक मूल मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। उस कसौटी में बंजारा समाज की भी सहभागिता सत्ता शासन में सुनिश्चित हो, इनकी मांग भी अपनी जगह जाएगा। चतुर्दिक विकास की बिहार बह रही है। आज उत्तम प्रदेश और नया भारत मंत्र चला रहा है।
ग्रेटर नोएडा के बिसरख थाना क्षेत्र में एक स्कॉर्पियो सवार हिस्ट्री शीटर बदमाश के किसी अज्ञात बदमाश ने गोली मारकर हत्या कर दी। आपको बता दें कि हिस्ट्री शीटर बदमाश का शव थाना क्षेत्र के 130 मीटर रोड पर उसके स्कॉर्पियो कार में पड़ा हुआ मिला। वहीं सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इसके अलावा छानबीन में कार में शराब के 2 गिलास पड़े मिले, साथ ही शराब भी बरामद हुई है, जिससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि शराब पीने के दौरान किसी व्यक्ति से गाड़ी में ही उसका विवाद हुआ था और उसी बात पर गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है और हमलावर की तलाश में जुट गई है। तो ग्रेटर नोएडा का पूरा ये मामला है जहां पर कार में शव बरामद हुआ है, हिस्ट्री शीटर बदमाश की गोली मारकर किसी ने हत्या कर दी। हालांकि क्या हुआ था, किसने हत्या की हिस्ट्री शीटर की, अभी इस बात का खुलासा नहीं हो पाया है। लेकिन आपको बता दें गाड़ी स्कॉर्पियो गाड़ी में हिस्ट्री शीटर बदमाश का शव बरामद हुआ है, साथ ही वहां पर शराब की कुछ बोतलें भी पुलिस ने बरामद की हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने राम मंदिर के चंदे के लिए 5,000 रुपए न देने संबंधित अमित शाह के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि हम अपना मंदिर बनवाएंगे, उससे अच्छा मंदिर बनवाएंगे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री आवास पर हमने बिना नक्शा पास कराए मंदिर बनवाया है, क्या उस पर बुलडोजर चलवा देंगे। अखिलेश यादव के मुख्यालय पर कांग्रेस और बसपा के नेताओं की ज्वाइनिंग पर पत्रकारों से बातचीत वो कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बीजेपी में केवल मनभेद नहीं है, मतभेद भी है। ऐसा मतभेद है कि दोनों इंजन आपस में टकराए जा रहे हैं। सुना तो ये भी है कि कुछ विधायकों के टिकट बदले जा रहे हैं, सारे विधायक भी अगर भाजपा बदल देगी तब भी जनता भाजपा को बदलेगी ही। २०२२ के चुनावी रण में सभी दलों ने बिगुल फूंक दिया है, तो वहीं बीजेपी भी 2022 के रण के लिए पूरे तरीके से तैयार नजर आ रही है। वहीं अखिलेश यादव से मीटिंग करने के बाद ओम प्रकाश राजभर ने कानपुर देहात के सिकंदरा सीट पर अधिकार सम्मेलन का आयोजन कर यहां के ओबीसी वोटरों को रिझाने की पुरजोर कोशिश की। आपको बता दें कि सिकंदरा विधानसभा सीट जब से बनी है तब से यहाँ पर समाजवादी पार्टी ना जीत पाई है ना मुकाबला दे पाई है। वहीं पर ओबीसी वोटरों को रिझाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने भी अपनी पुरजोर कोशिश दिखाते हुए उनको रिझाने में लग गई है। आपको बता दें कि बंजारा समुदाय की धमाका महारैली में जहां सारे बंजारा समुदाय के लोग एकजुट होकर बीजेपी का साथ देने का दम भर रहे हैं, तो वहीं पूर्वांचल से बीजेपी का ओम प्रकाश राजभर सुपड़ा साफ करने की बात कह रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर की पार्टी है और हमारे भाई सरनाम सिंह नायक की ये सामाजिक कार्यक्रम है, तो सरनाम सिंह नायक की भीड़ ओम प्रकाश राजभर की भीड़ से कम नहीं है। इन्होंने तो केवल सामाजिक चेतना के लिए भीड़ बुलाई थी, किसी राजनीतिक लाभ और हानि के लिए नहीं। रही बात ओम प्रकाश जी, जो भी हैं वो भारतीय जनता पार्टी की कृपा से बने थे, भारतीय जनता पार्टी की कृपा से विधायक बने थे, भारतीय जनता पार्टी की कृपा से मंत्री बने थे, और जब भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ दिए तो स्वाभाविक रूप से पुनर्मुष्को भव उनकी जो पहले हालत थी वो होगी। सरकारी तेल कंपनियों की ओर से आज एक बार फिर पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई है। आज डीजल के दाम 33 से 37% तो वहीं पेट्रोल के दामों में 31 से 44% की बढ़ोतरी हुई है। कई राज्यों में इसके दाम 100 रुपये के ऊपर पहुंच चुके हैं। देश में रोजाना बढ़ते पेट्रोल डीजल के दाम आम आदमी की आमदनी पर असर डाल रहे हैं। वहीं दिल्ली में पेट्रोल का दाम 108 रुपये प्रति लीटर के ऊपर पहुँच चुका है, जबकि डीजल का दाम 97 रुपये प्रति लीटर के ऊपर है। जबकि मुंबई में पेट्रोल की कीमत 114 रुपये के ऊपर पहुंच चुकी है, तो डीजल भी 105 रुपये प्रति लीटर के ऊपर मिल रहा है। इसके अलावा कोलकाता में पेट्रोल का दाम 109 रुपये प्रति लीटर के ऊपर है, जबकि डीजल का दाम 100 रुपये प्रति लीटर है। तो वहीं चेन्नई में भी पेट्रोल 105 रुपये प्रति लीटर तो वहीं डीजल भी 101 रुपये प्रति लीटर पर मिल रहा है।
उत्तर प्रदेश के मऊ जिले में खाद्य विभाग की टीम दीपावली पर्व को देखते हुए लोगों तक शुद्ध खाद्य सामग्री पहुंचाने के लिए पूरी तरह से सतर्क हो चुकी है। वहीं इसी को देखते हुए खाद्य की टीम की ओर से चेकिंग के दौरान सूचना मिली कि 5 लोग मिलकर 3 क्विंटल खोवे की बाजार में बिक्री करने के लिए जा रहे हैं, जिसके बाद खाद्य विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर 3 क्विंटल खोवे के साथ 4 लोगों को पकड़ लिया, जबकि 1 भागने में सफल रहा। आगामी दीपावली त्यौहार को देखते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा लगातार छापेमारी की जा रही है और यह सुनिश्चित कराया जा रहा है कि आम जनता को शुद्ध खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराया जा सके। इसी क्रम में आज एक चेकिंग के दौरान यहां रेलवे स्टेशन के सामने कुछ लोग खोवा लेते हुए ले जाते हुए पाए गए। पूछने पर वो बताया कि बिक्री के लिए ले जा रहे हैं। 5 लोग थे, जिसमें से 4 लोग मौके पर हैं, रविंदर, भोला इत्यादि। इनके जो खोया लिए हैं, इनसे इनका जांच कराया जा रहा है, नमूना लिया जा रहा है। खोवा शुद्ध खोवा हमारा है, खोवा है सर। क्यों पकड़ लिया गया है? अब साहब पकड़े हैं, अब क्यों पकड़े हैं? कहाँ से लेके आए थे खोवा? हमने सैदपुर से लाए थे, गाज सैदपुर से। कितना है वजन, कितना था आपका? हमारा 40-45 किलो है। अलीगढ़ में एक ठेकेदार ने युवक के साथ जमकर मारपीट की। बताया जा रहा है कि युवक अपनी पत्नी के साथ ठेकेदार के पास पैसे मांगने गया हुआ था। वहीं इसी दौरान गुस्साए ठेकेदार ने युवक और उसकी पत्नी से मारपीट की, जिसमें दोनों बुरी तरह से घायल हो गए। वहीं मामले की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया और मामले की कार्रवाई में जुट गई है। बात तो और मेरे पे आया फोन शेखर का, और शेखर और उसका प्रताप का लड़का है, और उन्होंने मुझ पर किया फोन, बोले और तू अपने पैसे ले जा। मैं हथका मंडी पे जो मैं पैसे लेने जो मैं पहुँचा हूँ, फिर उसने हथका है लिखा थकनी और पिस्टल लिखा रही है, उसने मेरी जो मेरी मारी है बट। किस बात को लेकर के झगड़ा हुआ था? क्या रंजी चल रही कोई? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। मेरा जो मैंने काम किया था अम्बाला, और मेरे पैसे थे। मेरठ के सरतना में अवैध रूप से चल रही कई मावा भट्टी पर फूड विभाग की टीम ने छापेमारी की। वहीं छापेमारी के दौरान कई किलो नकली मावा और नकली मावा बनाने वाली सामग्री जब्त कर फूड इंस्पेक्टर ने नष्ट कराई है। आपको बता दें कि दीपावली के महापर्व को देखते हुए खाद्य विभाग की ओर से लगातार चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है और इसी के तहत ये कार्रवाई भी की गई है। लगातार कार्यवाही हमारी पिछले 4 दिनों से चल रही है और अभी आगामी दीपावली तक ये चलती रहेगी, और पूरे जनपद में हमारी 5 टीमें बनाई गई हैं, जिसमें एक टीम हमारी सरधना तहसील के लिए काम कर रही है। उप जिलाधिकारी महोदय भी नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं समय समय पर। जैसे बाजार में मिठाइयाँ बन रही है, उनके लिए क्या कार्रवाई? हर खाद्य पदार्थों के लिए है हमारा, खाद्य तेल हो, वनस्पति हो, मिठाइयाँ हो, रंगीन मिठाइयाँ हो या मावा हो, जो विशेषकर इन त्योहारों पर इस्तेमाल होता है, उनके विरुद्ध ये कार्यवाही हमारी चल रही है। पब्लिक को जागरूक करने के लिए क्या मैसेज देंगे आप? ये हम किस तरीके से खरीदें? पब्लिक को जागरूक करने के लिए सबसे बड़ा मैसेज ये है कि रंगीन मिठाइयाँ खाने से वो बचें। रंगीन जो भी आपको सामान दिख रहा हो मार्केट में, वो चाहे किसी भी तरह का खाद्य रंग है या खाद्य रंग है या आप देख करके नहीं पहचान रहे। फिलहाल के लिए इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।